मेरा भाई नहीं हो, मैं नहीं जानता। Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. तो गाइज अभी अपन ने खोपोली क्रॉस कर दिया, अभी ओल्ड खंडाला घाट स्टार्ट हो चुका है। तो ये अभी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि एक तो पूरा का पूरा बूट भरा हुआ है, ऊपर से हम लोग 6 लोग हैं, पीछे सामान भरा हुआ है। तो इतना लोड के साथ अपना 1.5 लीटर वाला पेट्रोल इंजन, नॉर्मल पेट्रोल इंजन, ये पहाड़ी चढ़ पाएगा कि नहीं, वो देखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी आपको इसका इंजन परफॉर्मेंस भी पता चलेगा और ये गाड़ी कितना तक ढो सकती है एक टाइम पे, वो भी आपको पता चलेगा। ये बस वाला बीच में अबे यार जाम ना हो आगे, एक तो हम लेट हो चुके हैं ऊपर से, और ये बस वाले ना जगह ही नहीं दे रही। यहाँ पे कैसा ना ब्लाइंड टर्न है, तो इसलिए मैं ओवरटेक नहीं कर रहा हूँ। अपना गाड़ी बड़ा है, गलती से गाड़ी आ गया तो ऐसा सीन होता है, तो इसके लिए भाई थोड़ा प्रॉपर ये देखो, ये जाए इसे गाँव हाथ में। तो कट होना रहे, तो देखिए टर्न, देखिए टर्न क्लिक करें, तो देखिए ये देखिए ऐसा कुछ टर्न है, ये तो नॉर्मल है भाई, आगे वाले टर्न्स बहुत बड़े बड़े, तो ये देखने लायक होने वाला है। आप लोग देखिए मैं ड्राइव करता है, जहाँ पे लड़कियों को लेके आते हैं। ये बोलने की जरूरत नहीं थी दादा, ये डालूंगा मैं कुछ भी होने दो। और पूर्णा 75 किलोमीटर है, देख सकते हो अपने मागे लाइन बघा केवढी मोठी है। ये बस वाल्यामुळे झाले सगळा सीन, टर्न पण डेंजर आहे ना यार, डायरेक्ट ना जाऊ शकतो। पूछा किसी ने, जरा कॅमेरा पीछे घुमा सकते हो क्या शुभम दा, हमें कुछ कहना है। हां आराम से, मैं जान दे आगे देखना है। तेरे को गाली पड़ेगी क्या? सबसे चैलेंजिंग फेस ऐसा है कि सनसेट देखने को मिलेगा क्या नहीं हम लोगों को। जी नड नड नड, अरे बळवायला काय नाही, आपली मोठी गाडी आहे ना आणि छोटे इंजिन आहे, तर डायरेक्ट पिकअप नाही घेत एवढी पटकन, बुडून गाडी मग आपल्याला थांबायला लागणार, मग ह्या गाड्या पण आपल्याला जागा नाही देणार मागे यायला। भाई तू तेरे हिसाब से चला, मैं तो सांगतो तुम्हाला, तुम्हाला पण माहिती पाहिजे ना। पूछा किसी ने, कुठे गाडी कशी चालते? तो अभी अपन ने फर्स्ट गियर पे डाल दिया है, रिस्क लेने के लिए नहीं, वो तो रास्ता तो देखो, अरे कैमरा तिकड़े कर उधर ही से, तो ये देखिए ऐसा पूरा स्लो पे आगे ऊपर चढ़ना है। तो अगर ये रुक गए तो आपको भी रुकना पड़ेगा, इसके लिए सेफ डिस्टेंस रखो, आराम आराम से जाओ, लोड लेने का ही नहीं है। पीछे वाला कितना भी हॉर्न बजाए उसकी माँ की, अपन नहीं हटने का, अप्रिशिएट ब्रो। और गाइस व्यूज तो देखो, व्यू इधर का जो व्यू दिखेगा आयुष इज डैम, देख कैमरे में कैसे दिख रहे हैं। तो भाई देखिए एक और टर्न है जो सबसे डेंजर टर्न है, तो यहाँ पे अपन सेकेंड पे ही चढ़ाना पड़ेगा गाड़ी को। तो अभी अपन स्लो डाउन करते हैं, सेकेंड डालते हैं और चढ़ाते हैं सेकेंड पे, क्यों अभी स्पीड में गाड़ी था इसके लिए सेकेंड, नहीं तो अगर रुका के डालते ना फर्स्ट पे ही चढ़ना पड़ता। ऐसा कुछ है भाई, गाड़ी परफॉर्म कर रही है, और मैं नया ड्राइवर रहा तो थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होता है, बट समहाउ वी आर मैनेजिंग। भाई लोग डर गए सब अभी ये जब बोला था। भाई ये देखो फाइनल डेस्टिनेशन हो जाता भाई, तो सुटली थी लाइन, ऐसा सीन है भाई, तो संभाल के जाओ भाई, देर होने दो, उसका मटन खाने थे बाद में हमको, सही सलामत पहुंचना, चिकन है सॉरी, चिकन बिरयानी, दम बिरयानी, सब बिरयानी लूट जाएगा। और वो देखो वहाँ ऊपर चढ़ने अपने को, चार चार बकरे कटेंगे, एक बकरा वो तो अभी बकरा कटने वाला उसका शादी वाला, और ऊपर तो देखो भाई स्लोप, भाई
इसी के लिए हम लोग आए मस्ती करतोय ते टाकणार नाही मी पोलीस चौकी बंद रे बंद वो जो रस्ता है ना वो ऊपर से आने वाला है और ये ऊपर चढ़ने वाला है इसके कौन है सरकारी गाड़ी है क्या जोक्स भाई काका तो भाई अपना एवरग्रीन मंदिर तो यहाँ पे पाया पड़ा निघायच पुढे शिंगरोबा शिंगरोबाच्या नावानं चांग बघा चला तेव्हा काळजी घे इथपर्यंत सफर बढिया आहे अभी और बढिया होणे अभी हमने घाट सेक्शन क्रॉस कर लिया है सबके मुंह में आ गए थे कट होने वाला है तो जैसे करके हम लोग ये पॉइंट पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे आगे बच्चों को शूट करना रहेगा तो उतर दे नहीं करना रहेगा तो नहीं उतरेंगे सीधा निकल जाएंगे आगे बस ये व्यू तो देखो भाई अभी बच चुके साढ़े छः और अरे इधर ही चरकने का गाड़ी भी चाहिए ना तो अभी बच चुके साढ़े छः और नजारा तो देखो भाई फोटो काढायचेत काय मग त्या पॉइंटला थांबवतो बंदर देखो भाई लो सुम्या ए सुम्या दाम सुम्या तो ये देखिए गाइस इस पॉइंट के लिए ना सब लोग यहाँ पे आते हैं मतलब सुबह आते हैं शाम को आते हैं ये यहाँ पे जो सनसेट दिखता है और सनराइज दिखता है ना वो पॉइंट के लिए आते हैं सब लोग तो अभी अपन भी उधर गाड़ी लगाएंगे थोड़ा दो तीन फोटो शूट करेंगे और निकलेंगे बंदर से सावधान रहना बस बाकी कुछ भी करो अगर ज्यादा फ्रेंडली हो गए तो और भी कुछ चांगल्या ठिकाणी थांबव दोन मिनिट थांबव मित्रा मी गेलो आलो थांबवलंय रे तिने बरोबर जो बॅकचा व्ह्यू येतोय हार्ड इथे जागा नसते ना एकच रोड आहे पोलीस वाला गाडी बघून दाखवतात हा सो गाईज गाडी सो गाईज गाडी हमने यहाँ पे लगा दिया है एक बार देख लीजिए तो यहाँ पे लगी है अपनी गाड़ी भाई लोग ऊपर चढ़े तो फोटोशूट चालू है एक बार ये भी देख लीजिए अभी थोड़ा यहाँ पे फोटोशूट करते हैं चिल मारते हैं फिर निकलते हैं यहाँ पे एक हिमालयन भी है बाइक बाइक कुत्ता नहीं बाइक और नज़ारा तो देखो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे और मस्त ठंडी हवा चल रही है मध्यम मध्यम वाली सही है भूल गया मजा आ गया भाई पैसा वसूल राइड है अभी और आगे जाना है वेट सब्सक्राइबर मिल गए कुठे बोललो भाई ओळखीचा कोण आहे का म्हणून बोलतोय काय नाही भाई आपला चॅनल आहे वैभव आटुकडे सबस्क्राईब कर दे ना अरे भाई पैसा दिया मैंने उसको सो गाइज अभी हमने गाड़ी लॉक कर दी अपनी
अभी अपन वर्सोली टोल के यहाँ पे अभी अपन दादा से पूछते हैं कैसा रहा, मैं कैसे गाड़ी चला था, हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन थर्ड रो। गाड़ी भी अच्छे है और ड्राइवर भी अच्छे है, स्मूथ ड्राइविंग है। तो थर्ड रो में कैसा था, स्पेस था, बढ़िया था, सब बढ़िया है और उसमें अच्छा है, मतलब कंफर्टेबल है। ओके तो चलो दादा को लेके जाते हैं, अभी अपने को बहुत लंबा जाना है, लेट्स गो। यहाँ पे अभी खाते अपन एक भी रहा सर, भाई लोग सब यहाँ पे बैठे ले अभी, तो अभी हम लोग यहाँ पे वर्सोली टोल के साइड में चाय नाश्ता करने के लिए पिए। भाई को पूछते हैं, भाई पहली बार गाड़ी में बैठे तो कैसा एक्सपीरियंस था अभी तक? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वेरी कंफर्टेबल, नाइस सॉन्ग, नाइस कंपनी, लेकिन इसको डर लग रहा था बहुत ज्यादा, ये मुझे बोल रहा था कि भाई वो अच्छे से नहीं चलाएगा, लेकिन इनका भ्रम दूर हो गया ऐसा बोल। बाबा बरं तू सुरुवात दिला नव्हतंस, ठीक आहे दादा। दादा काय तुमचा एक्सपीरियंस काय झालं? ऑल अबाउट परफेक्ट, परफेक्ट ना भाई, खतम बात। इधर भाई को पूछते सीट कवर वाले, भाई कैसा सीट कवर? आपला भाई डिश आले सांगितले 8,000, भाई इतना महंगा नहीं है। तो भाई को पूछते, भाई को भी पूछते, भाई भी थर्ड रो में बैठे थे, थर्ड रो में कैसा है, कंफर्टेबल है का, का कॉन्जेस्टेड होता है का? नहीं ना, ठीक है। तो भाई चेस करते और निकलते, तर अपन आता इथे खालेलं एक नंबर दादा, एक नंबर चव होती, एक नंबर चव होती भाई, हा खरोखर भारी टेस्ट होती, एवढ्या ठिकाणी खाल्ले पहिल्यांदा आवडले एवढं भारी होतं। चलो ए भाई किती झाले? 620 डिस्काउंट घरी, चल घरी, चल 500, चल चला थँक्यू, चला थँक्यू। तर दादाने आपला डिस्काउंट दिलं थोडस राजा शाबास। तो दोस्तों अभी हमने नाश्ता वाला ब्रेक लिया था, जो खाना था थोड़ा थोड़ा वो सब खा लिए, अभी बच्चे लोग बैठेंगे आराम आराम से और हम लोग निकलने वाले। वो दादा बहुत चांगले होते भाई, 120 रुपये डिस्काउंट दिला डायरेक्ट। मी आपलं एक आहे की स्टॉलवरती असतात ना, त्यांच्याकडून कधी डिस्काउंट नाही मागे, त्यांच्याकडे मागायचं नाही डिस्काउंट, कारण की यार त्यांच्याकडे डिस्काउंट नाही मागायचं, कारण की त्यांचं हातावरचं पुढं असतं भाई, त्यांच्याकडे काय मागणार, तुम्ही मॉलमध्ये जाऊन 2-4 हजार बराबर देता म्हणून भाई तरी पण यार असं नाही मागायचं। आई आई एकवीरा स्नॅक सेंटर वसई लोलच्या समोरच पहिला स्टॉल, तिथे जायचं कधी पण, A1 टेस्ट सिरियसली। चलो मजाक आहे क्या, बसा बसा ना, मुत्ताना काढायचं होता या भाई या लवकर मुठताना उठताना सगळ्यांना काढू। चला आता निघूया, ब्रेक झालेला, आता सीधा नाटोशी भावाच्या घरात, लग्नाची वरात भावाच्या घरात। सो गाइज अभी हम लोग आ पहुंचे हैं सोमाटने टोल के यहाँ पे, थर्ड टोल ऑफ द डे, वर्सोली को क्रॉस कर दिया अभी सोमाटने, उसके बाद तलेगाव, ऐसे करते करते हम लोग टोल क्रॉस करते जाएंगे। उधर भाई की धक धक बढ़ रही है, वो हमको बार बार फोन करके पूछ रहे किधर हो किधर हो किधर हो, अभी हमको और 4 घंटा लगने वाला है, देखते हैं अभी, होप फॉर द बेस्ट। बाकी बच्चे लोग सो गए ले पीछे, उनकी आंखें खुली बट वो सोए ले धक धक हो रहे ले उनको। चलो मिलते हैं इसके बाद, भाई गिरी लैंग्वेज गाइज। अभी अपन पुणे में है बट ट्रैफिक ने अपनी मरवा दी है भाई, इसलिए मैं पुणे में ट्रैफिक के टाइम पे कभी नहीं आता, बट अभी क्या करें, अपने को इसी टाइम पे निकलना था भाई की वजह से, इसके लिए अपन ये ट्रैफिक में अटके ले। अभी देखते इसको पार करते, थोड़ी देर बाद मिलते आपको आगे, क्या हाल होता है कुछ नहीं मैं बता। तो अभी बज चुके 8:50, हम लोग निकले हैं घर से 4 बजे, 4 बजे, तो 4 बजे निकले, 4.5 घंटे हो गए हम लोग अभी तक पूरा पहुंचे नहीं थे, पहली बार इतना टाइम लगा है लाइफ में, मेरी जिंदगी में पहली बार इतना टाइम लगा है, क्योंकि वो उलवे में जाना था देन इनको वड़ा पाव भुर्जी आमलेट चाय सब पीना था। खाया नहीं था मैं भाई, देख रहा बस मैं देख रहा था वही तो ऐसा कुछ थोड़ा वाला ट्रैफिक था, खुल गया अभी फटाफट निकलते, भाई वेट कर रहे। चलो सो गाइज अभी अपन पहुंच चुके कात्रज नवीन टनल, कात्रज सा बोगदा, लॉन्गेस्ट टनल ऑफ दिस रोड, तो अभी इसमें पहुंचे और अभी बच चुके 9:24, अभी भी अपने को जाना है 161 किलोमीटर, 3 घंटा लगने वाला है। भाई उधर घोड़े पे बैठ चुके हैं, हमको बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लेट हो रहे हैं। अभी क्या हो गया, अरे रे 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 बेचारे यार, गाड़ी बंद पड़ी गई, टायर का लग रहा, तो ऐसे कुछ टनल के अंदर आप रुक नहीं सकते, अगर आपका कुछ इमरजेंसी ना हो, गाड़ी का कुछ फेल्योर ना हो तो तभी रुकने गए, बाकी सब तो
तो बढ़िया, भाई लोग सब सो चुके हैं, मैं और कैमरा मैन ही चालू है जाग रहे हैं, अभी हमारे ऊपर है उनको लेके जाने का, देखते आगे मिले तो मिले नहीं तो ऊपर सीधा, चलो आगे मिलता थोड़े दिन। बोला नहीं है, बोला गाफर गए डर गए क्या। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे रुके हम लोग, अभी यहाँ पे वॉशरूम के लिए रुके सुसु ब्रेक। तो गाड़ी परफॉर्म वेरी वेल गाइस, प्ले वेरी वेल एंड आई ड्राइव वेरी वेल, पूछा किसी ने, सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स गो। गाड़ी देख लीजिए आप, यहाँ पे अपना गाड़ी मस्त चमक रहा है भाई, और जो सीट्स है ना अंदर की, ये देखो अंदर की सीट्स क्या दिख रही है भाई, सेक्सी लग रही है, मज़ा आ गया। चलो उतर दे, धार मार दे, निकलते। कॉफ़ी पीने, 100 रुपये का एक कॉफ़ी। ये भाई अंबानी का बच्चा है भाई, मेरा भाई नहीं है वो, मैं नहीं जानता। अभी बज चुके 10:30 और हम लोग सुबह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाई 6 घंटा हो गया हम लोग अभी सातारा में पहुंचे। बहुत लंबा टाइम लगा, पहली बार इतना ज्यादा टाइम लगा मेरे को इधर आने के लिए, बट somehow we are managing। भाई लोग मेरे पे भरोसा रखे, इनके घर वालों ने भेजा है इनको, तो किधर ना किधर तो पहुंचाना पड़ेगा मेरे को, तो थोड़ा रश कर रहा हूँ इसलिए मैं वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ। बाकी सब बढ़िया है और ऊपर से नाइट है तो इसमें इतना कुछ दिखेगा नहीं, तो हेडफोन करके भी फायदा नहीं है। सो अभी अपने को और जाना 104 किलोमीटर, ऐसा करेंगे हम लोग, ऐसा रास्ता क्रॉस करेंगे। तो भाई लोगों से जान लेते हैं फीडबैक, भाई लोग क्या लग रहा है आप लोगों को, कितने बजे तक पहुँचेंगे अपन? अभी भरोसा उठ चुका है, हम लोग 12 बजे से पहले नहीं जा सकते, पहले भरोसा था बहुत, अभी बहुत भरोसा उठ चुका है। अभी आप बोलो, नो कमेंट्स। हम एक घर में रहते, एक थाली में खाते, तो निकाल लिए जाए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, तो तेरी खाली का छीनने वाला है क्या तू? इतना ही आपसे कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं। 11 बजे तक पहुंच जाएंगे हम। सो इतना ही रिस्पांस था, आगे का पता नहीं सकता हम लोग, तो वैसे गाली देना चाहते लेकिन दे नहीं भाई रहे। हम लोग बिना गाली के बात नहीं कर सकते, नहीं गाली देते नहीं, ये बंदा बहुत ज्यादा गाली दे रहा है आजकल, तो मैं बोल रहा हूँ। तो गाइज नाइट में कुछ गाड़ी ऐसा दिखती है, अभी मैं आपको एवरेज बताता हूँ थोड़ी देर में। हाँ देखो, अभी मेरे को जब से ड्राइव कर रहा हूँ तब से हो चुका है 1 घंटा, हम लोग अभी रुके थे वॉशरूम ब्रेक के लिए, तो अभी 15 का एवरेज दे रहा है, और अपन ने जब से रिफिलिंग किया है ना तब से अपन 208 किलोमीटर चल चुके हैं, और 5 घंटे का ड्राइव हो चुका है, 1 घंटा हम लोग खाने के लिए गए, तो 13 का एवरेज मिल रहा है अपने को, सही है बढ़िया है। अभी भाई लोग है अपने, डालेंगे चलो चलते छह लोग बैठे हुए है, पूरा मूड भरा हुआ है हाथ में आगे उनकी, और हम लोग 120-130, अभी मैंने ट्राई किया था ना तो 123 पे गया था मैक्स। ओमनी वाले को लेके जाना पड़ेगा मेरे को, अभी थोड़ा ट्रैफिक आ गया, अभी खाली रास्ता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग नहीं कर रहे। चलो आपली ट्राय
कैमेरे कडे बघून बोलशील ना तू तेव्हा आपण 125 आणि माझं केस नका पकडू काय उडे मारला आम्हाला. फायनली पोर सुखरूप पोचलेली आहेत. बघून घ्या सगळे पोचलेत सुखरूप पोचलेत सगळे. नवरदेव पण इथेच आहे. नवरदेव झोपून उठला काय 4 वेळा झोपून उठला. कुठे कुठे कुठे. सो गाईज ये व्लॉग यही पे एंड होता है. मिलते आपको कल सुबह फ्रेश. आणि वैभव पण थांबतच नाही. तू जसा बोललास ना लेफ्ट त्यांनी लेफ्ट टाकतोय. वैभवला बोलतोय भाई केवढूसा रस्ता आहे तो. मला वाटत नाही तिथं पुढे गाडी असेल आणि बस.